अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। ये एक मुगलाई डिश है और जो हम नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं ये उससे एक लेवल ऊपर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया हमने 500 ग्राम मटन, इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमने छोटे छोटे क्यूब्स में मटन को काट लिए हैं। ये सादा मटन है, इसमें चिकना नहीं है लगा। शामिल करेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। शामिल करेंगे 2 छोटा चम्मच पोस्ता दाना, 1 मीडियम साइज के प्याज शामिल करेंगे चॉप करके, भुना हुआ 3 चम्मच बेसन शामिल करेंगे। एक चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, 1/2 कटोरी भुंजा हुआ काजू और गरी शामिल करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सी के जार में अब इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से पीसेंगे। यहाँ पे लिया हमने 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 1/2 चम्मच जीरा, 1/6 टुकड़ा जावित्री का, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 चम्मच काली मिर्च जार में डाल देंगे। शामिल करेंगे बचा हुआ काजू और गरी, 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। मटन हमारा पीस चुका है। शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच काजू गरी गरम मसाले का पेस्ट, शामिल करेंगे 3 चम्मच रिफाइन ऑयल, 6 से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते के लिए बॉल बनाएंगे। कोफ्तों में अब बीच में भरेंगे कटी हुई बारीक अदरक, कटा हुआ हरा मिर्चा और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भर के बॉल बना लेंगे। बॉल अच्छे से बनाएंगे कि इसमें कोई क्रैक ना आए। ये बॉल हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे बॉल बना लेंगे। गैस पे हमने रख दिया पैन, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम फ्राई करेंगे कोफ्ते। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। गैस पे रख दिया हमने एक भगोना, इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, शामिल करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट पकाएंगे। शामिल करेंगे 1 बाउल पिसी हुई प्याज, 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 बाउल टमाटर प्यूरी शामिल करेंगे।
शामिल करेंगे एक चम्मच नमक, शामिल करेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, मिक्स कर देंगे। शामिल करेंगे काजू गरी गरम मसाले का पेस्ट, आधा कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। मटन के साथ दो हड्डियां भी थी जो मसाले में हमने शामिल कर दिया है, अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, इसमें शामिल करेंगे नरगिसी कोफ्ते, कोफ्ते को हमने मसाले में डाल दिया है, अब इसमें शामिल करेंगे एक गिलास पानी और अच्छे से चला देंगे। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देखिए नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, शामिल करेंगे आधा कटोरी हरी धनिया पत्ती। नरगिसी कोफ्ते को हम सर्व करेंगे। कितने बढ़िया नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन हमारे नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से तैयार हैं हमारी नरगिसी कोफ्ते, बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। मेरे इस नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।